बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे दो बरस, उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना पहनना है। हस्बे दस्तूर किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा, मगर उसके मकदूर भर माँ को जरर न दिया जाए उसके बच्चे से, और ना औलाद वाले को उसकी औलाद से, या माँ जरर न दे अपने बच्चे को और ना औलाद वाला अपनी औलाद को। और जो बाप का कायम मकाम है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रजा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मुजायका नहीं। जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा स्टंटिंग का शिकार है, यानी नाकिस गजाइत की वजह से ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा रुकी हुई है। बच्चे गजाई किल्लत की वजह से नाकारा वजूद होकर रह गए हैं, और मुतालिका महकमा इस सिलसिले में कोई भी मुस्तकिल कदम उठाने में नाकाम दिखाई देते हैं। बच्चे वजन में इंतहाई हद तक कमी का शिकार हैं। नाज़रीन इस हवाले से एक बात बताते चलें कि इन अदाद शुमार में कराची और हैदराबाद समेत तमाम शहर शामिल हैं। ये दुनिया में हम पाँच उन मुल्कों में हैं जिधर सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। हमारे 45% बच्चे पाकिस्तान में, उनको बीमारियां स्टंटेड ग्रोथ, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा जो जिंदगी की रेस है उसमें शुरू से पीछे रह गए। वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। उनके माँ बाप के ऊपर सोचे क्या गुजरती होगी वो जब अपने बच्चों का हाल देखते होंगे। इस नाजुक सूरत हाल को देखते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हेल्थ डिपार्टमेंट को थरपारकर में मेडिकल कैंप लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। माँ जिसका जिस्म जिसकी रूह सरापा शफकत मोहब्बत और रहमत की अलामत होती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि पैदाइश के पहले घंटे में माँ के दूध में जो कुव्वत मदाफियत से भरपूर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो उसके अपने बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। आप हमें थरपारकर तो नहीं भेजेंगे ना? थरपारकर 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 थरपारकर, बाबा एक तो आप लोगों ने इस थरपारकर को हवा बनाया हुआ है, और बाबा मुझे समझ में नहीं आता कि ये हर आदमी ने थरपारकर की रट क्यों लगाई हुई। जिसको देखो थरपारकर की रट है, पूरा सिंध थरपारकर बना हुआ है। एक बच्चा थर में मरता है पूरा मीडिया शोर मचा देता है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन से मरा है। और बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, खसरा है, पोलियो है, कालरा है, टीबी है, और कभी कभी तो उधर गुर्बत और गैरत की वजह से भी मौत हो जाती है। आप लोगों ने बाबा जाना है तो जाओ, वरना अपने घर जाओ। अब सर वो देखो बाबा, अब ये लोग मेरे को बोलेंगे कि वहां मच्छर तो नहीं काटेगा, सलीम वहां पीने का साफ पानी मिलेगा, हम सोएंगे किधर, उड़ेंगे क्या, फिर ये पूछेंगे हमारे से कि वहां धड़ेल तो नहीं है, हमको अगवा तो नहीं कर लेंगे। डॉक्टर साजिद नहीं, डॉक्टर साजिद बाबा मैंने तुमको पहले बोला था ये शहरी बच्चे इनके बस का काम नहीं है। इनको मेडिकल कैंप में भेजने से पहले किसी फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में भेजो। इनको क्या पता कि WHO हमको कितना प्रेशर देता है। यूनिसेफ ने हमारे दिमाग की दही जमाई हुई है, और तो और वो वर्ल्ड बैंक हमारे को अलग ताने देता है। क्यों तानिया? तानिया, वैसे तुम्हारे पैशन और होप्स को ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मतलब ये कि तुमने देखा? अरे हाँ यार देखा। देखो कैंप अपनी तरफ, लेकिन तुम खुरम को ढूंढने जा रही हो ना? हा? तो इसमें हर्ज क्या है? देखो सलीम, ओ यार ये लो तानिया, फॉर गॉड सेक्स यार, ऐसे इंसान को ढूंढने जा रही हो जो तुम्हें छोड़ के चला गया, जिसने मुड़ के भी तुम्हें नहीं देखा, उसे ढूंढोगी? ये मेरा साथी मामला है सलीम, पिक्चर ले लो यार। खाला जान आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला,
जो जिन आपने मेरे पीछे लगा रखा है ना, वो एक लम्हे के लिए भी मुझसे नजर नहीं हटाता। अरे वो जिन नहीं है, गार्डियन एंजल है तुम्हारा। तुम भी ना कहां रह गए थे? दोस्तों के साथ। अच्छा, कुछ खाया है? खा के आया हूं। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? नहीं, नहीं तो। यस, कोई एक्सक्यूज करनी है तो कर लो, कोई काम है तो बताओ, कुछ चाहिए तो मांग लो, कहीं जाना है तो जगह का नाम बता दो। एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट योर लाउंज चेयर, दिस इज माई बैग। नो, इट्स माई बैग। अच्छा, इसीलिए हमेशा मुझे बैकग्राउंड में रखा होता है ना? यार, लड़कियों की तरह ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं, इंसान बनो फौरन। अच्छा तो मुझे क्या मिलेगा? जो बोलेगा। हाँ, जो बोलूंगा वो देख ले, फिर बोलूंगा ना तो बोलेगी, बोलता है। अनशन बोलेगा तो बोलूंगी। तू हर बात पे बोलेगी? नहीं बोलूंगी, सिर्फ अनशन पे। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जुबान देती है? जुबान दी। बड़ी तेज है। कजन किसकी हूँ? ऐसे क्रेडिट तो मुझे ही जाना चाहिए। आजा सेल्फी हो जा। अब ऑमलेट तुझे ही बनाना पड़ेगा। है? सेल्फी जो खिंचवा रही हूँ। तुम्हें एक बात मालूम है तानिया, कि तुम मुझे कैसी लगती हो? अच्छा, तानिया का बहुत ख्याल रखना और पहुंचते ही कॉल करना तुम दोनों। जी अम्मी। और तुम इसका ख्याल रखना। जी। ओके। जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह की अमान में। कहाँ है सलीम? हम तो निकल गए हैं, तुम कहाँ हो? क्या मतलब निकल गए? क्या हम साथ नहीं जा रहे? सादिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो यार। सलीम, ओहो यार, मुझे उसकी आवाज आ रही है। नहीं, खुद बात कर लो। हेलो, पागल हो गए? कर लो सलीम। हेलो फरा। जी डॉक्टर सादिया। सलीम और तानिया तो निकल गए। डॉक्टर सलीम को आपका ही नहीं, डॉक्टर तानिया का भी बहुत ख्याल है, और वो दोनों आपस में कजिन्स भी हैं। साथ फुल कर दें, क्या ख्याल है? सेल्फी हो जाए? हाँ? स्नैपचैट के लिए। ओके। हेलो बॉस। सॉरी। ठीक है भाई। बाबा मुखे टॉफी वटी दे। हर दफा जिद कंदो हां तो के मु चयो ना त इदा ते वटी दिंदो। ना मुखे आने वटी दे। तुजी बा मुझे पया लगायो थी छा? वटी दे बाबा। आ कुटी दस तो के चवा तो। ना मुखे आने वटी दे। ये वर्ष है। हां? ये बच्चा आपका है? आदि चाय पे पुट तुंजो आ? आ मुजो आ। मेरा है। तुम्हारा है? नहीं नहीं, इसका है। मारा क्यों? जिद तो करे टॉफी उठी ले। अच्छा, टॉफी मांग रहा है तो एक क्यों लगाया, दो क्यों नहीं लगाए? बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे छत से उल्टा टांग दो और बॉक्सिंग वाला सैंडबैग बना के एक घंटा सुबह एक घंटा शाम रोजाना कूटो। औरत आए या जिनड़ी, मुझे बार जी दुश्मन थी पैया।
अरे ये आप क्या गलत सलत बातें कर रही है, इनको बुरा लग गया है। बुरा लग गया? एक थप्पड़ ठीक है, बाकी गलत है? नहीं, गलत था, एकड़ो भी सही ना है। अब आया ना लाइन पे। अरे हल अरे छोरा, आयो आयो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बेटे में कॉन्फिडेंस हो तो ये मारपीट डांट डपट बंद करो। डांस अधी चैती पोही नची ना सगंदो। अरे बाबा ही ना क्यों थी दो छा? इसमें एतमाद नहीं होगा, अगर मारपीट बंद नहीं की ना तो ये नौटंकी भी नहीं बन सकेगा। अच्छा भाई हा? अब बुरा ना मनाना, बच्चों की डॉक्टर है ना, क्या ख्याल है? जुल्फी हो जा। हे तुम क्यों इतने दांत निकाल रहे हो, मैंने कोई लतीफा सुना है? तुम्हें कुछ चाहिए? सेल्फी तो फिर लो। यार तुम हर जगह अपनी डॉक्टरी क्यों चलाने बैठ जाती हो? डॉक्टरी दिखाने की कोई जगह मुकर्रर है क्या? समझा रही थी उसे मैं। तुम्हारा अंदाज समझाने वाला नहीं था, बेइज्जती कर रही थी उस बंदे की। बेइज्जती? कम ऑन सलीम, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगे? यार तुम शहर से बाहर हो ठीक है, अपना ये लेक्चर देने वाला अंदाज हर जगह ना दिखाया करो। कोई गुंडा या बदमाश होता तो मोहम्मद अली साफ ही सही। क्यों मार रहे हो मुझे भाई? अरे यार हम इसे क्यों मार रहे हैं? अरे बियो पूछ कराता हूं साईं से। पूछो साईं से क्यों मार रहे हैं? साईं उधर। साईं वो पूछ रहा है कि मुझे क्यों मार रहे हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही तानिया, हेलो। अच्छा बस करना नाराज होना, जाननी है मेरी। सादिया, सलीम ड्राइव कर रहा है। अच्छा मुझे लगा तुम लोग रुके हो गए। सलीम सिर्फ ड्राइव ही कर रहा है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा? वाह सलीम मुझे गाना भी सुना रहा है, मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ है और मुझे प्यार से भी देख रहा है। पागल हो गई है क्या कह रही है, मरवाएगी मुझे। अरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, सलीम को तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। रख। मैं तो डर ही गई थी। प्लीज बंद कर देना यार। ओके बाय। फरा तुमने देखा सलीम को मेरा कितना ख्याल है? हाँ सादिया मैंने सुना भी और देखा भी। क्या ख्याल है, गर्मा गर्म चाय हो जाए? वैसे तू रहने दे, तुझे ठंडी पिलानी चाहिए, तू वैसे ही इतनी गर्म है ना। अच्छा यार पिला देता हूँ तुझे गर्म चाय। सच्चाई का अलम बरदार साफी मोहम्मद अली है। क्या बात है भाई, बहुत बड़ा हो गया, हमारे खिलाफ लिख रहा है। सही में एक साहबी हूँ, जो सच है वही लिखा है मैंने। मेरे को भी बता कि सच क्या है बाबा। यही कि अस्पताल की बिल्डिंग को आप लोगों ने गोदाम बना के रखा है।
गांव में कोई बीमार पड़ता है तो कितनी दूर शहर जाना पड़ता है, आप लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि आपके डर से कोई डॉक्टर ही नहीं टिकता। बंद कर अपने सच की दुकान, वरना तू नहीं टिकेगा इधर। हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ सच लिखता रहूंगा, जो तुम्हें करना है कर ले। अरे बाबा उधर बैठ के सच लिखेगा, ठीका ये बूट तो लेके जा अपना, ये तेरा बस्ता भी लेके जा, पकड़। साईं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। होटल वालों का है साईं। अरे बाबा चाय वाला। अरे बहुत तार साईं, अभी गुस्सा ठंडा करो, आसमान से परी उतर आई है। पागल हो गया है क्या, आसमान से नहीं उतरी है, गाड़ी से उतरी है, मैंने खुद देखा है। हाँ मिठड़ा साईं ने खुद देखा है। हाँ साईं ने खुद देखा है ना, अगर साईं ने खुद ना देखा होता तो तेरी बात सही होती, अभी तो साईं ने खुद देखा है ना। साईं कपड़े तो देखो, कल भी यही पहने हुए थे। साईं आप कल भी आए थे। मैं तेरे कपड़ों की बात कर रहा हूँ, तूने कल भी यही मेले कपड़े पहने हुए थे। साईं मेरी घरवाली मेरे कपड़े नहीं धोती, मेले पहनने पड़ते हैं। साईं कुर्बान मनाए, इसकी घरवाली तो इसका कहना ही नहीं मानती। जो घरवाली कहना ना माने वो बला आती है। उस बला को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब बला को छोड़ देना चाहिए। साईं बला को छोड़ो, उस परी को देखो जो अभी अभी आसमान से उतरी है। अरे चरिया, आसमान से नहीं उतरी है, गाड़ी से उतरी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ चरबट्टा हाँ, साईं ने अपनी आंखों से देखा है। तानिया चल चल, अगले किसी होटल पे चल के चाय पीते हैं, बड़ी गर्मी है ना यहाँ पे, चल चल। क्यों आगे बर्फबारी हो रही है? एक ट्रे, ट्रे तो तेरे हाथ में बाबा, आगे बोल ट्रे। एक ट्रे चार बी, एक कोप हो गया इसका, एक कोप हो गया इसका, एक कोप हो गया इसका, एक कोप हो गया मेरा, इनका किधर है बाबा? नहीं साईं इधर से शुरू करो, एक कोप मेरा, एक कोप इसका, एक कोप इसका, एक कोप आपका, इन तीनों के किधर है अभी पूछो। किधर है बाबा?
सही, कोप भी इनको मिलता है, हमको सासर भी नहीं मिलती है। सही, हमको हमारा हक कपे कपे कपे। हाँ बाबा, तुमको तुम्हारा हक मिलेगा बाबा, मिलेगा। साई, ये परी आसमान से आई है, गाड़ी से नहीं उतरी। अच्छा चल, गाड़ी में बैठ के शीशे ऊपर करके एसी ऑन करके पी। और हम अपनी घरवाली को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे भला ही सही, नहीं छोड़ेगा। अरे गालता बुद्ध, अरे देखा, वडेरे के आदमियों में लड़ाई करा दिया ना तू। साईं के देश कर रखती वंज चाहिए खड़ी है। तानिया तानिया तानिया, भाई साहब मर गए। अब्बा रे, छोकरी ने वडेरे को भाई बोला। भाई कराची में वडेरे को भाई बोलते? अरे कराची में भाई होता है, इधर वडेरा होता है, वडेरा। लेकिन चरिया भाई तो यहाँ बोला है इसने। पड़े बिस्मिल्लाह बोलो। आप इसके साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं? हो सकता है इसे कोई प्रॉब्लम हो, इसे भूलने की बीमारी हो। साईं, वो पूछ रहा है कि मुझे क्यों मार रहे हो। क्यों मार रहे हो बाबा? साईं मोहम्मद अली साफी, खबर लगाई थी ना आप। भूलना कोई बीमारी थोड़ी होता है, भूलना तो वडेरे का शौक होता है। वडेरा सब कुछ भूल जाता है। साईं मेरा क्या नाम है? पता नहीं। साईं मैं कौन हूँ? याद नहीं। देखा, अभी तेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वडेरा सब कुछ भूल जाता है। तानिया लेट्स गो। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि क्या किया है आपने थोड़ी देर पहले। बाबा मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे को बस इतना याद है कि तू आसमान से नहीं उतरी है, गाड़ी से उतरी है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आपने ठीक कहा, मैं गाड़ी से ही उतरी थी। और अब आप भी आसमान से उतर जाएं। आप जिस पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उसे पिटने का शौक है क्या? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, उसकी मजबूरी कोई जहनी कमजोरी हो। आपको उसकी मजबूरी समझना चाहिए, उसे आपके जुल्म की नहीं हमदर्दी की जरूरत है। भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे असेंबली में खड़ी तकरीरें कर रही है। ये लो बाबुल साईं, ये कोई मामूली परी नहीं है, परियों की लीडर है, लीडर। हाँ बहुत हो गया, चल चले। मैं जो कोई भी हूँ मुझे छोड़िए, आप अपना भी ज़हनी इलाज करवाइए। छोकरी को आप उसकी बेइज्जती करके चली गई, आपको पता भी नहीं चला, कुर्बान बनाए। अरे साईं साईं, चाय पी के चलते है ना। 10 कोप चाय लेकर आओ। साईं 10? मगर अब तो 7 हैं। अरे बाबा 10 बोलूंगा तो 7 लाएगा ना। तानिया मुझ पर दोस्त मान लेती, उसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदे पे चढ़ाई शुरू कर दो। मेरी तो हवा शंट हो गई थी। यार जो बात सही है उसे कहने और करने में क्या डर? ओ मैडम, ये अंदरूने सिंध है, कराची नहीं है। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे अमेरिका से आए हो। अंदरूने सिंध क्या, हमारा सिंध है। अच्छा ठीक है भाई, हमारा ही सिंध है। लेकिन देखा नहीं था किस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे वो? एहतियात किया करो यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मसलन क्या? अगवा भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है। अरे भागे कर, भागे कर, भागो। और भगा बाबा, और भगा बाबा, तेज भगा, बहुत मजा आ रहा है। तालियां तालियां तालियां। अरे तू कहां से आया, गाड़ी में कैसे घुसा है? साईं राजू राकट बिना ब्रेक। साईं जब मैडम ने सीना तान कर वडेरे यूसुफ की आंखों में आंखें डालकर हमला किया तो मुझको लगा घोड़ा रे घोड़ा। जिस तरह मैडम बोली मुझे लगा अब चली गोली और हुआ अगवा भी। इधर एक से बढ़कर एक धाड़ियल पड़ा है, पत्ता भी नहीं चलता। क्या? मिनट भी नहीं लगता कि आदमी किधर गया। ये धाड़ियल क्या होता है? डाकू। डाकू? खतरनाक डाकू, पत्ता भी नहीं चलता आदमी किधर गया। इधर गया, उधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। अरे पापा सही है, गाड़ी है जहाज। अरे गाड़ी है, गाड़ी।
बाबा मेरे को बताना था, तूने क्यों बताया? मेरी मर्जी। और तेज बताओ क्या? और तेज। अगियाटिस। बाबा मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? साईं ताकि मुझे मजा आए। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा है। घोड़ा रे घोड़ा साईं, लोग तो राजू राकट को चट्टानों का सीना बोलते हैं। मुझको तो हवा में अगवा की बू आ रही है। क्या? ठोक दी साई इस चरिये ने। किधर? वडेरे यूसुफ की गाड़ी इधर आ रही है। अब तो आई शामत, अब तो होगा अगवा भी और गोली भी चलेगी। रुको सही, रुको। क्या? और रुको। क्या? बाबा भागो सही, भागो। यू इडियट, गाड़ी में भाग। सॉरी सॉरी सॉरी। निकलो, गाड़ी पकाओ, गाड़ी पकाओ, गाड़ी पकाओ। रिवर्स तो करने दे, फिर बनाऊंगा गाड़ी। गाड़ी कट, गाड़ी कट, गाड़ी कट। साईं ये क्या हुआ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भूल गया है क्या? हाँ साईं। वडेरे की नकल करता है? ना साईं, याद आया। वो परी जो आसमान से उतरी थी। चरिया, आसमान से नहीं उतरी थी, गाड़ी से उतरी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हल। लेकिन साईं गाड़ी का मुंह तो एक साइड से टूट गया है। अगर मेरी परी मेरे हाथ से निकल गई ना, तो मैं तेरा मुंह दोनों साइड से तोड़ दूंगा। हल, हल चलिया। अल्लाह रे। हाँ जी जी। आजा साईं। कहाँ लेके जा रहे? कटो साईं कटो, सवाल मत पूछो, बस मेरी बात मानो। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? बजा साईं, बजा साईं। अरे तेज लो साईं, तेज लो। तेजी चला रहा हूँ ना यार। गाड़ी बचाओ साईं, गाड़ी बचा। अबे बचा ही रहा हूँ ना यार, बचाना क्या होता है? भगाओ भगाओ। बचा ही रहा हूँ ना यार। गाड़ी चला यार, इतनी बड़ी गाड़ी है तू ऐसे चला रहा है जैसे गधा गाड़ी चला। तुम बहुत ज्यादा रहे हो, तेज चलाओ यार। ए, बोल ज्यादा रहो। और लेक्चर दो, और लेक्चर दो। कहाँ जाती है लेक्चर देना? अरे गाड़ी चलाओ साईं, गाड़ी। आपस में लड़ाई हमारी वजह से ये हो रहा है। तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? अरे बाबा तुम कितना लड़ते हो। हरन मार यार इसको, हरन मार। तुम पहले इस खटारा को खाओ। खटारा नहीं है, खटारा बेबी है। मेरे पास कई गाड़ी है ना। अरे गाड़ी की तरह ये तो खटारा है, खटारा। देखो भी बताएंगे ये कैसी गाड़ी है। जैसी भी है मेरी गाड़ी है। क्या कह रहे हैं ये? पता नहीं, जब पता होता ना कि ये होना है हमारे साथ, तो तुम्हें कभी अपने साथ लाता ही ना। सही, तुम लोगों ने भूल लेना। साथियों के साथ प्यार में जाता है आराम से। यार रखो तेरा। तुम लोग कैसे ये कह रहे हो? मुझे बता रहे हैं साथियों का नाम ले रहे हैं। सही, अब साथियों का नाम मत लो। भगा भगा गाड़ी, भगा तुम। भगा बाबा। यार हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं लोग? बाबा जब तुम्हारे साथ इतनी प्यारी छोकरी है, वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा तो किसके पीछे पड़ेगा? पिछले साल भी एक लड़की आई थी, आज तक उसका पता नहीं चला। झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं। अरे छाप क्यों करी यार, कट गाड़ी के यार। अरे यही होना था। तुम इस पागल की बातों में आ रहे हो। तुम्हें आने की बात नहीं है। साई रोड बहुत खराब है। तेरा दिमाग खराब है, रोड खराब है। बड़ा कह रही थी हमारे से। अब किधर जा रहे? सीधे हटे। कहाँ जा रहे हैं हम? अरे तेज भगा। बस कहाँ से आ गई? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। पागल से कौन शादी करेगा? यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। नहीं,
ऑफिसर सिर्फ सरदार यूसुफ है। बड़ा शौक था ना सिंध में कैंप लगाएंगे। तो मुझे क्या पता था ये बुल्ले टकरा जाएंगे। इसे क्या हो गया है? कहाँ लेके जा रहा है? वही तो लग रहा है घूम जाएंगे हम। हिते, हिते गाड़ी। क्या? अरे हिते गाड़ी ले हारियो। क्या? क्या कह रहा है? इधर रोको गाड़ी इधर। सिग्नल की गई बत्ती गुड्डे पे पड़ा लंगर कांटे में फंसी मछली बेरी पे चला पत्थर सदियों से यही तजिया गुंडों में घिरी रजिया तफरी है ये आफत है जीना तो कयामत है धोखे में ना जाना ये मोम के सांचे हैं हर गांव पे है ठोकर हर मोड़ तमाचे हैं अब ये लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे आगे साईं कमल का इलाका है अब ये कौन है भाई वडेरा है साईं वडेरा ये वो वाला वडेरा नहीं है तो वो वाला कौन सा वडेरा था वो वाला वडेरा है ये वाला वडेरा है ये अच्छे वाला वडेरा है तुम इत्मीनान रखो इतना चीखे इतना चिल्लाए तो गिजाई किल्लत होगी ना ये लो ये खाओ और गजाई किल्लत की छुट्टी कर दो ये तुमने कहाँ सुना बस रेडियो पे खाओ राजू और कितना आगे है कितना आगे है क्या हुआ दी रुक क्यों गई ये कब्र किसकी है ये सात वाले गोट का था उधर शहर पड़ता था घर वालों से मिलने के लिए आया बीमार हुआ और चला गया आला साईं के पास एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम तो फिर इतना सीरियस क्यों हो सरदार साहब का फोन था गांव बुलाए तो आज ही जाना होगा टाल नहीं सकते तुम तो जानती हो सरदार साहब के कितने एहसानात हैं मुझ पे उन्हें कैसे डाल सकता हूं हेलो केक नहीं काटना एक मिनट लेकिन तुमने ही आउटिंग का प्लान बनाया था कल के लिए तो वापस आके बना लेंगे कब तक आओगे वापस बस कोई चार या पांच दिन चार या पांच पांच दिन प्रॉमिस प्रॉमिस आ जाओ तानिया देखो हो सकता है किसी और की खबर हो ये अदी अदी क्या तुम भी किसी खुर्रम को जानती हो क्या ये डॉक्टर था हाँ इसका तो मुझे नहीं पता कुछ ज्यादा देरी इधर ब्रेक नहीं लगा ली हमने बाबा चले तानिया चलो चुके कम ऑन आ जाओ ओके ये इतनी सारी कब्रें सिर्फ बच्चों की हाँ दी इधर कोई गजाई किल्लत की कमी को समझता ही नहीं है अलाडीनों की तो कोई सुनता ही नहीं है अभी अलाडीनो कौन है भाई मैं सही मैं अलाडीनो है राजू तो मुझको ऐसे ही बोलते हैं वैसे तानिया
हो सकता है कि राजू की तरह खुरम का भी कोई और नाम हो और ये उसकी कब्र ही ना हो सकता है। लेकिन सलीम, इस जगह को हमारी ज्यादा जरूरत है, यहीं कैंप ना कर ले। कैंप? हाँ, हम डॉक्टर्स हैं और ग़िज़ाई किल्लत पर ही काम कर रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत? बस अदी, अब तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुमको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अलाडीनो, राजू, राकट, बिना ब्रेक तुम्हारे साथ है। मुसा गड़चो। चलो। राजू बिना ब्रेक। राजू, ये अकमल कैसा आदमी है? बड़े राकमल बहुत अच्छा इंसान है, सुठो मांग है, सखी है, गरीबों का ख्याल रखता है और हर इंसान से प्यार और करता है। कितना दूर है? 3 किलोमीटर। क्या? 3 किलोमीटर और? अच्छो, मर गया यार। हेलो, दोनों के फोन एक ही वक्त में बिजी हैं। अरे वाह, जो छोकरी है दाढ़ी सी, अरे छोकरी के तभी से भागा आस्ते का बड़े रोना बुद्धि मते। सलाम अलैकुम। डॉक्टर लोग शहर से हमारे गांव आए हैं, हम तो नसीब वाले हो गए ना। बाबा, ये महफिल खत्म हो जाए फिर आला अहवाल करते हैं। सर, हमारी गाड़ी कब्रिस्तान के पास खड़ी है, अगर वो प्लीज मंगवा दें तो। साईं, पुनल को बोल दिया है गाड़ी बिना ब्रेक ले आए। अच्छा, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करो और बीबी साहबा को अंदर जनान खाने में ले जाओ। नहीं साईं, मैं यहाँ ठीक हूँ। नहीं बाबा, ये मर्दों की महफिल है, ये हमारे गांव की बाबा हमारी सकाफत है। बिस्मिल्ला जाओ। अरे छोकरा। जी साईं। इनके अंदर बैठी बन, शाबाश, जाओ। जी साईं। अरे बाबा बाबा, अरे क्या सोच रहा है तुम? जो तू सोच रहा है वही मैं सोच रहा हूँ, चल तू भी तोबा कर, तोबा। अरे बाबा, तोबा तोबा, अल्लाह साईं मेरी तोबा। गाना वाना करो, कुछ गा तो खामोश बेटी है, कुछ बोलती ही नहीं। शहर से एक मैडम आई है मेहमान बनकर। मैंने इतने सारे गाने गाए तो अभी कहाँ है? वो आ रही है। आओ बेटा, आओ, ये आओ, रहा है। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। आई अदी, देखा फाटला कपड़ा पाए शादी में, वो भी फाटला कपड़ा पाए करे। बस बस, मेहमान आए, बस कुते, कुते, सायण माफी माफी, बस फाटल कपड़ा। चलो बाबा, रस्म शुरू करो, बातें करने शुरू हो गई। छोरी की तरह सो दे, कैसे देख रहा है? हां ए वात पट जी गया है तेरा, क्या हुआ तुझे? आई ऐसी मंडप कभी देखी नहीं है क्या? निभागे का कौवे की तरह वात खुल गया। छोरा, अब क्यों डांट रही है इस बेचारे को? बेचारा कहर कर दिया इसने, इसको बेचारा बोलती अम्मा, तुझको शाबाश है, शाबाश है इस मंडप का। बता तो सही ना। चुप कर, बता तो सही, सब कुछ पता है। ये निभागा छोरा है, ये गांव के छोरे, इनको मैं जानती हूँ, बड़े हरामी, बड़े किन्ने हैं छोरे। अब बता दे भी मुझको, बता 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 बता। जैसे ये निभागा वात ऐ करके खड़ा है ना, आया मेरी झोली में, जैसे मुझ पर नजर ऐसे देखे। बस बस,
साईं जब हमारे यहाँ त्योहार होता है ना तो सुबह से ही खाना खुल जाता है। आप भी खाओ बिना ब्रेक और दो घंटे बाद दोबारा खा लेना। बिना ब्रेक खाएंगे ना तो निकलेगा भी बिना ब्रेक। साईं हमारा पानी बड़ा जबरदस्त है, ऐसे ऐसे हजम होता है। चले इसी बात पे सेल्फी हो जाए। सेल्फी? अबे फोन तो गाड़ी में रह गया, पत्नी किस किस की कॉल आ रही होगी। भाई गाड़ी का क्या बना? बोल दिया आ रहा है बिना ब्रेक। बिना ब्रेक? इट्स अनफेयर सलीम, अगर आपका मोबाइल गाड़ी में रह गया था तो कम से कम फोन करके आप बता ही देते कि आपका मोबाइल गाड़ी में रह क्या गया। क्या बताता? अरे लड़के फोन खुश्क हो गया था मेरा, हॉल उठ रहे थे। खाला जान सब ठीक है, आप परेशान ना हो। क्या खाला जान? सिर्फ जान कहते हुए जान जाती है तुम्हारी। शट अप यार, क्या भगती रहती हो। अरे लड़के घास खा लिए क्या तुमने? खाला जान सब ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। सादिया मैं थोड़ी देर में तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम सब यहीं पे आ जाना। ओह ओके ओके मेरी जान। परा, सलीम कह रहे थे कहीं सेफ जगह पर, देखा तुमने? सलीम को तुम्हारा बहुत ख्याल है, मैंने देखा। सायण बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह न्याणी के नसीब अच्छे करे। सायण इस कराची वाली मैडम को भी दिखाओ ना, हमारी गांव वाली दुल्हन पे कैसा रूप चढ़ता है। हमारे गांव वाली दुल्हन दुल्हन है, रूप ही रूप है। हाँ दुल्हन तो दुल्हन होती है, चाहे शहर की हो चाहे गांव की, रूप तो सब पे चढ़ता है ना सायण। अरे वाह लगे तुझे, हमारे गांव की दुल्हन है वाह वाह, शहर की दुल्हन है वाह दे। ऐसा मुंह पे थप्पा थुप्पी कर देते वो दबे है ना, ब्रश के लगा के छोरी का बूथी फिरा देते। तू अम्मा हमारी दुल्हन तो देख, क्या तो रूप पाया है, जा देख सुभान अल्लाह करेगी तू सुभान अल्लाह। जाओ बेटा देख कर आओ। जी कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं है, ये लो बेटा आप ले लो बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू। सरासर जुल्म है। क्या हुआ, क्या हो गया बेटा? ये तो बच्ची है, मेरा मतलब है अभी इसकी शादी की उम्र ही कहां हुई है। कच्ची दीवारों पे छत डालेंगे तो क्या वो टिकेगी, गिर जाएगी। अभी इसे पक्का तो होने दे, इसे मच्योर तो होने दे। हाय हाय चीखे मार के हमारा तो तुमने माई सांस ही निकाल दिया, हमें चर्या न कर। हाँ ये छोकरी बुर्स के पास जाएगी तो पक्की तो हो जाएगी ना। इसका कच्चा पन पक्की की तरह हो जाएगा, कच्चा पन। चल तू अब उधर चल चल, आजा बेटा इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ बेटा। हाँ हाँ हल 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 आजा बैठ, यहाँ बैठ। वे इधर बैठ, ठंडी हो जा। नूरी, ओ छोरी नूरी। आई नूरी कम में पूरी, इधर आ। जा जल्दी से एक ठंडे पानी का गिलास लेकर आ। ओ माय ठंडी, ओ अल्लाह क्या हो गया इसको। ये हमारा रवाज है, छोरियों को हम ज्यादा देर घर पे नहीं बिठाते, और छोकरियाँ घर बैठे करेंगी क्या। ये तुम्हारा शहर नहीं है, तुम्हारे शहर में छोकरियों के लिए काम तो ज्यादा है, मगर तुम्हारी उम्र को पहुंच जाती है तब भी वो काम खत्म नहीं होता,
हम सीधे साधे गांव के लोग हैं, बस यही सीधी साधी जिंदगी गुजारते हैं। छोरी खड़ी क्यों है, पानी दे। एक बात याद रख, जिसमें सबकी खुशी होती है ना, उसमें खुश दिली के साथ शामिल होना पड़ता है। I'm sorry. It's okay. साइन साइन, चाची सुगरा गिर के बेहोश हो गई। आई अल्लाह, कौन आया है? चाचा जुमन। वो रब नवाज कहाँ है? रब नवाज अभी तक आया नहीं है, उसको लेने जाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। अब मैं डॉक्टर हूँ, आप कहें तो मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई ना ना, मैं आ जा। हाजरा, सुना नहीं तुमने? साइन, वो बेचारी बेहोश मर जाएगी, मर जाएगी। मैंने कहा रुक जाओ। अबे यार, देखा? सलीम, फर्स्ट एड बॉक्स निकालो। उतरना राजू। तानिया क्या यार, तो सुबह से निकले हुए हैं, थक गए हैं, ऊपर से तुमने केस पकड़ लिया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं फीस ले रही हूँ केस की। हम तो इसी काम से हैं यहाँ। अच्छा, तो इसी काम के लिए आए हम यहाँ। ये रबनवास कौन है? वो डॉक्टर है। ओए, हो सकता है वो तुम्हारा डॉक्टर खुर्रम हो। मजाक कर रहा था यार, रिलैक्स। आजा सेल्फी हो जा। राजू, ओए हो गया हो गया हो गया, ओए हो गया हो गया हो गया, चल। डॉक्टर साहिबा, हम तो मजबूर हैं। हमको जो अपना घर वाला कहता है हम वही करते हैं। उसको मना करेंगे तो वो नाराज होगा ना? आप शायद मेरी बात समझे नहीं, या फिर आप सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं, सुनाओ, आप भी सुनाओ। हमारा तो काम ही है सुनना। बाप दादा की सुनी, मामा चाचा की सुनी, वडेरो साईं की सुनी, सुनाओ, आप भी सुनाओ। देखो सुग्रा, मियां बीवी मिलके घर चलाते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। और जहां बात हो सेहत की और बच्चों की, तो आपस में मिलके मशवरा करते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं। और जो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ उसे गौर से सुनो। अरे बाबा, तुम तो छोटी हो, बड़ी थोड़ी ना हो। डॉक्टर, शादी मनाया तुम? अच्छा, तुमने शादी की? नहीं। नहीं, बच्चे कितने हैं? शादी नहीं मनाई तो बच्चे कहां से होंगे? ये हुई ना बात, हमने शादी भी मनाया है, बुढ़ी भी है। बुढ़ा भी है, बच्चे भी हैं। तुमको पता ही नहीं जिंदगी कैसे करते हैं। हमको पता है जिंदगी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है। और ये इसको पीने पर आपको किसने मजबूर किया? देखो, हो सकता है आपका बाप दादा हो या चाचा मामा हो जो आपके सामने बीड़ी पीता हो, और उसकी वजह से आपको इसकी लत पड़ गई हो, और आज आप अपने बच्चों को मजबूर करोगे बीड़ी पीने पर। अरे तगड़ा तो तू बहुत है, कभी कभार केला भी खाया कर यार। ये लो, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, बच्चे की पैदाइश के तीसरे महीने तक खानी है। अरे हो चल, लड़की की पैदाइश के बाद की लड़की की।
चाहे लड़का हो या लड़की, उसके बाद तक खाना। ये राजू रैकेट बिना बरे का, ये भी दरख्त है और वो भी केले का। चुप कर, हट परे। वडेरे साईं का हुक्म है, जुम्मन की बीवी को सिर्फ डॉक्टर नहीं देखेगी और तू उसका मुंह। किसी वक्त भी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन तुम परेशान मत होना। अरे मैं उसको पक्की तो खिला दूं। मेहरबानी बाबा, मेहरबानी। राजू आ गया तू? जी। वो जुम्मन के घरवाली की तबीयत कैसी है? सही है, सही इलाज किया कि अब तो ब्रेक लग गई लगे। सही, अब तो जुम्मन पा रहे कि वो ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगे और कुछ बात बने। ब्रेक ब्रेक। हम यहाँ माँ और बच्चों के हवाले से कैंप लगाने आए हैं, इसमें मुफ्त इलाज करेंगे, मशवरा भी देंगे, बल्कि हमसे जहाँ तक जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है बाबा, आप लोग यहाँ आना ही था तो मुझे पहले इत्तला क्यों नहीं की? एक्चुअली सर, हमें जाना थोड़ा आगे था, वो तो एक्सीडेंटली हम यहाँ आ गए। सही, मैं बताता हूँ। ब्रेक बताता हूं। ब्रेक ब्रेक बाबा ब्रेक। मेहमान हैं, इनसे बात कर लूं फिर। ये मुझे बात बताओ, ये जो आप लोगों का प्लान है, इसका इनिशिएटिव आपने खुद लिया था? एक्चुअली सर, इनिशिएटिव हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया था। अच्छा। मैं खुद भी आना चाहता था और डॉक्टर तानिया और हमारा पूरा स्टाफ भी आना चाहता था। तो ठीक है, अब ऐसा करो, आप लोग थके हुए हो तो आराम करो आज, कल आपका ये प्लान सुनते जी सर। नहीं सर, थकन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास वक्त हो तो हम अभी आपको बता देते। क्यों डॉक्टर सलीम? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। सर देखे ना, गांव के लोग भी आपकी हवेली में मौजूद हैं, सबकी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर सलीम, डॉक्टर सादिया आ गई हैं? बस आती ही होंगी। वेरी गुड, तो फिर गाड़ी से लैपटॉप और प्रेजेंटेशन का सामान ले आए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे। अभी बहुत देर हो गई है, थके हुए हैं, कल दे देंगे ना आराम से प्रेजेंटेशन। अभी जाओ जाओ जाओ। अच्छे लोग हैं, कोई अच्छी बात ले आए हैं गांव वालों के लिए। सर ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक नॉर्मल बच्चा है जिसका वजन और कद उम्र के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, ऐसे बच्चे को नॉर्मल कहते हैं। अरे ये समझ में नहीं आता कि ये नॉर्मल बच्चा क्या होता है। अरे जिस बच्चे का कद वजन उम्र के लिहाज से होता है ना, उसको नॉर्मली कहते हैं। तेरी उम्र कितनी है? 50 साल। और तेरा वजन कितना है? 50 किलो। तेरी उम्र तो वजन के हिसाब से बराबर है, लेकिन यार तेरा नाम नॉर्मल नहीं है, तेरा नाम सावन है। अरे ये साइंस है, साइंस है बाबा, साइंस बड़ा होता है ना। हाँ, साइंस से भी बड़ा साइंस है। हाँ, हाँ। यानी अक्यूट क्रॉनिक, इस तरह के बच्चे का वजन नॉर्मल बच्चे से कम होता है। अक्यूट क्रॉनिक, मर जाना चाहिए। इस तरह के बच्चे की जान खतरे में होती है और इसे फौरन तिबी इमदाद की जरूरत है, वरना गिजाई किल्लत की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। ये तो हमारा मिठाई खा गए हैं, ये करो वो करो, हाँ चश्मे को कुछ पता ही नहीं है। बात सुन, ये जो छोकरी है ना, ये डॉक्टरानी वाक्टरानी नहीं है, मुझे तो कोई जादूगरानी लगती है। हाँ Thank you.
तुम्हें एक बात मालूम है तानिया? क्या? यही कि तुम मुझे कैसी लगती हो? कैसी लगती हूं? जब ठंडी ठार सर्दियों में दूर तक सरसों के खेत लहलाते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें सरसों का खेत लगती हूं? नहीं, सरसों के खेत में जो रंग होता है ना, उस रंग जैसी लगती हो। रोमांटिक। जब सुबह सुबह दूर तक धुंध फैलती है और सब इंतजार कर रहे होते हैं कि सूरज कब निकलेगा, और सूरज लेट लतीफ सर्दियों में देर तक सोता रहता है, लेकिन जब निकलता है तो धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगती है। उसकी किरणों से मंजर आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगता है। तुम मुझे उन किरणों जैसी लगती हो। अब ये क्या बात हुई? मैं कोई लेट लतीफ नहीं हूं, मैं अपना हर काम अपने वक्त पर करती हूं। अरे छोरी, वो तो सूरज है ना, तू तू तो मुझे उसकी नरम गरम किरणों जैसी लगती है। तुम बचपन से ऐसे ही हो या मुझसे मिलने के बाद ऐसे हो गए हो? मैं तो ये बात मानता हूं कि बचपन भी रोमांटिक होता है, लड़कपन भी रोमांटिक होता है, और जवानी भी रोमांटिक होती है। हर उम्र का अपना अपना रोमांस है। यानी जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा रोमांस बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर तुम बदल गई तो। मैं तो कभी नहीं बदलूंगी। तो फिर मैं भी कभी नहीं बदलूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जहां तुम वहां मैं। साईं। अरे वालेकुम असलाम। यार रब नवाज, तू तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। मैं तेरा तारुफ करवा देता हूँ, डॉक्टर सलीम, और ये है डॉक्टर तानिया। ये बाबा कराची से यहाँ मेडिकल कैंप लगाने के लिए आए हैं, और बाबा तू यहाँ का होकर गायब रहता है, तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं।
साईं आपको तो पता है घर की वजह से थोड़ा मसरूफ रहता हूँ। हाँ बाबा, रब साईं तुम्हें मसरूफ रखे। ये भी कराची से पढ़ के आया है, डॉक्टर है, डॉक्टर रब नवाज। डॉक्टर रब नवाज। क्या बात है, क्या बात है भाई, हैं? डॉक्टर रब नवाज को देखकर तुम लोगों के चेहरों पर सांप सूंघ गया है। मैं तो सोच रही थी ये भी कराची से पढ़कर आए हैं, हमने भी वहीं पढ़ा है। जब बात होगी तसल्ली से तो पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज से पढ़ा है इन्होंने। सर मेरा ख्याल है काम शुरू करना चाहिए। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह शुरू करो। हमल के दौरान औरत को एक आम औरत के मुकाबले में दो वक्त ज्यादा खाना सुबह चाहिए। के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में हल्का फुल्का खाना जरूरी है। गाजर मूली फल फ्रूट जो भी मिल जाए जरूर खा लेना चाहिए। सुबह के नाश्ते में मक्खन और रात को दूध लाजमी पीना चाहिए। याद रखना आयरन फोलिक एसिड की गोलियों को बच्चे के पैदाइश के तीसरे महीने तक खानी है, इससे चक्कर आना, थकावट और सांस का तेज चलना भी बंद हो जाएगा। ये लो। अरे जुमन भाई कैसे हैं? बस अल्लाह साईं जो करम आए डॉक्टर। अच्छा मुझे ये बताएं, बकरियां हैं आपके पास? जी हाँ, दो दो हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, अगर आप अपनी बकरी को वक्त पर चारा ना दें तो क्या होगा? जाहिर है कमजोर हो जाएगी और बीमार भी। बिल्कुल, तो फिर अपनी बीवी और बच्चों को अपनी बकरियों से ज्यादा अहमियत दोगे ना? पुट्र इनी देर करे छड़ी, वडेरे तो के घुरायो, खैर ता है ना? माँ वो साईं ने मेडिकल कैंप लगवाए, डॉक्टर्स आए हैं कराची से। कराची से डॉक्टर आए हैं? तुम्हारे दोस्त भी हैं क्या? क्यों पूछ रही है माँ? नहीं, अगर तेरे दोस्त नहीं आए तो अंदर कौन बैठा है? क्या, कौन है अंदर, कौन आया है? Thank you.
अम्मा मुखे भूख लगी है। मानी डे जी पुट आई मेहमान लाए भी ठीक आ पुट मां खणी थी अचा तो ये थी वजह तुमने 5 दिन में वापस आने का वादा किया था आज 5 महीने हो गए फोन बंद पोस्ट ऑफिस बंद रास्ते बंद किसी का भी तुम्हारे गांव से कराची आना जाना बंद जाहिर है तुम मजबूर थे मुझे कैसे पता चलता कोई जवाब है तुम्हारे पास खुर्रम उर्फ रब नवाज सरदार अकमल खान के मुझ पे बहुत एहसानात हैं मैं छोटा सा था जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया तब सरदार अकमल खान ने एक यतीम का बाप और एक बेवा का भाई बनकर हमारी कफालत की दवा दर्द दुख सुख आंधी तूफान में भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा मुझे पढ़ाया लिखाया कराची भेजा डॉक्टर बनाया मैं सुन रही हूं सकीना सरदार अकमल खान के मुलाजिम की बेटी है मेरी तरह यतीम सरदार चाहते थे जिस तरह से उन्होंने मेरी जिंदगी संवारी उसी तरह से मैं सकीना की जिंदगी संवार दूं मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकता था ये आंसू मोहब्बत में नाकामी के आंसू नहीं है इन आंसुओं में शिकायत है तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं था कि तुम मुझे ये सब कुछ बता देते क्या समझ रखा था तुमने मुझे कि मैं तुम्हें एहसान फरामोश बना देती मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं जिससे मोहब्बत करूं लोग उसे एहसान फरामोश कहें
मिसकीना कब से ऐसी है? सकीना भी माल न्यूट्रिशन की शिकार है। जहनी और जिस्मानी ग्रोथ ज्यादा मुतासिर थे। तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? कम ऑन, यू आर अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूं, कोई साइंटिस्ट नहीं कि टाइम मशीन में बैठ जाऊं और इसके बचपन में चला जाऊं और इसकी सारी गजाई किल्लत दूर कर दूं। मैं ये तो नहीं कह रही। तो मैं प्रोफेसर मलिक से बात करूंगी, इसके इलाज की कोशिश करूंगी। आई वॉन्ट सिट बैक लाइक यू। खैर, तुम्हारी कैसे थी? चले। क्या हो गया? बताएगी नहीं उसने बोला क्या? हाँ? नहीं। ओके यार, थैंक यू। तुम वाकई मेरे दोस्त हो। यू वेलकम यार। वैसे कुछ खाना छाना खाया है? कुछ खिलाया नहीं उसने? मैं खिला देता हूं तुझे यार, फिक्र ना कर। आगे जाके कुछ खा लेते हैं। ओके, ए रिलैक्स। चला पकौड़े खा ले। मुश्किल आसा हो जाएगी, आंख उठा के देखो यारो, मंजिल खुद पास आ जाएगी, कदम बढ़ा के देखो यारो। मुश्किल आसा हो जाएगी, आंख उठा के देखो यारो, मंजिल खुद पास आ जाएगी, कदम बढ़ा के देखो यारो। जीना लड़के आगे बढ़ के, जुड़ जाए सब दिल यूं धड़के, मान दुनिया हैरा कर दे, बुनियादों में लोहा भर दे। मेरे हाथ में तुम हाथ दे दो, के देखी है मैंने वो रोशन फिजा। हम लोग इधर आए क्यों? सोचो बाबा, सोचो बाबा। वडेरे को भूलने की बीमारी है। क्या है? बीमारी है।
भूलना कोई बीमारी नहीं होती है, वडेरे का शौक होता है। शौक क्या होता है? शौक होता है। साईं मैं कौन हूँ? पता नहीं बाबा। साईं मेरा नाम क्या है? अरे याद नहीं बाबा, ये सोचो हम लोग इधर आए क्यों थे। बाबा जब भी साईं को याद आ जाए ना तो बाबा मेरे को उठा देना। हाँ याद आ गया बाबा। बाबा सही। अरे बाबा याद आ गया, याद आ गया। देखा रे युवत। हाँ साईं थोड़ो मुखे तो देखार। मस्त लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आसमान से उतरी है। मेरे को बताता है। सबर साईं। याद आ गया है, याद आ गया। वो परी आसमान से नहीं गाड़ी से उतरी है, आपने अपनी आंखों से खुद देखा है। मस्त छोकरी, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। वाह वाह, वाकई बहुत खूबसूरत आए, एकदम परी आए परी। साईं प्यारी नहीं है? बहुत प्यारी है। हलिया छुरी। देखो भाई पुनल, सबसे अहम चीज है सफाई। सफाई? अरे नहीं भाई, सफाई। डॉक्टर साहब तो फिर मेरे को मोटे मोटे कैप्सूल मत देना, निगलने में मसला होता है। छोटी छोटी गोलियां हो तो बहुत अच्छा है। क्या? और दिन में 3 मरतबा भी मत देना, दिन में बस 1 दफा। क्या बोल रहे है? गोलियां, सफाई की गोलियां। ये गोलियां आपने तब तक खानी है जब तक पैदाइश ना हो जाए, और पैदाइश के बाद 3 महीने तक खाते रहना है। मैं अपने बच्चे के लिए कोई सी भी गोलियां खाने के लिए तैयार हूँ। यही स्प्रेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जज्बा। जज्बा? ये भी किसी गोली का नाम है? अरे नहीं नहीं। अच्छा एक बात अपने पल्लू से बांध लो। पल्लू से? लेकिन मैं बात पल्लू से कैसे बांधूंगी? मुझे कागज पे लिख के दो तो मैं बांध लूंगी। बांधने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बात याद रखो, पैदाइश के फौरन बाद अपने बच्चे को पहले घंटे का दूध पिलाना है। पहले घंटे का दूध? ये पहले घंटे का दूध कहाँ से मिलता है? हमारे गांव में तो नहीं मिलता। हाँ हाँ, मेरे घर वाले ने बताया है कि सखर में घंटा घर मार्केट है, उधर ना एक बहुत बड़ा घंटा है, जब वो घंटा बजता है ना टन, उस वक्त उधर कोई दूध मिलता है क्या? अरे ये तो तुमने बात बहुत ही अच्छी बताई। अब एक अच्छी बात और सुन लो। हाँ हाँ। इसे 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना है। बीबी जी, अपना मुन्ना है तो दूध भी अपना ही पिलाएंगे ना, किसी से मांगेंगे थोड़ी ना। अरे नाराज क्यों होती हैं? मैं भी तो यही बोल रही हूँ। देखो बकरियाँ अपनी है, भैंसे भी अपनी है, कभी बाहर से भी चाहिए होता है तो वो भी अपने पैसों से ही मंगवाते हैं, दूध वाले की दुकान पे डाका थोड़ी ना डालते हैं। नहीं नहीं, वो अपना नहीं बल्कि अपना जाती। अरे माई चरिया छा, वही तो मैं बोल रही हूँ, अपना जाती। बकरियाँ और भैंसे जाती तो हैं। बकरी बाजार से दूध खरीद लाती है या गाय को बोलती है मेरे बच्चे को दूध पिला दे? वो क्यों इसे ऐसे बोलेगी, वो तो उसे अपना ही पिलाती है। तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई, अल्लाह भलो कर दे, समझ गई। इसे 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाजरा ये खतरनाक काम है, तू बकरी को बोल रही है कि शेर के घर में घुस जा। ओ क्यों इस उम्र में तुझे बेवा होने का शौक जागा है? सतके, अरे सतके जाऊं तेरी इस बोलने पे हा? अगर इतना ही ख्याल है ना, जा काम धंधा ढूंढ, मैं बैठूंगी और खाऊंगी। अरे वो जो गांव में आई है ना मंडमड़ी, सारा दिन ऐसे 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 घूमती रहती, कभी उसके घर कभी इसके घर। वो मेरे पेट पे लात मारने आई है, लात मारने। अरे मारना क्या, वो कमबख्त तो मार चुकी है। कसम से कुरान उठाऊं या मस्जिद में चलूं तेरे साथ? हाँ हड हराम, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन थी, वो भी तूने जुए में हार दी। हाँ
भाई बहावल के घर से छोटा बछड़ा मुझे मिला भैंस का, वो भी बहाने से ले गया, जुए में हार के आ गया। वो तो दिन मुझे याद है, मेरी अम्मा ने मुझे झुमके बना के दिए थे, याद है ना तुझे? पूरे 1.5 तोले के थे, मेरे नसीब में ही नहीं हुए, इसीलिए बोलती हूँ तू काम धंधा कर वरना भूखे ही मर जाएंगे। हाजरा मेरी बात सुन मेरी प्यारी हाजरा, अरे ये डॉक्टर नहीं तो 2-4 दिन में चली जाएगी, उसके बाद भी तो तू ही तू है ना। बस करिए नमूनेबाजी मेरे से, अरे खुप खोड़ के बैठ गई है वो गांव में, खुप खोड़ के। अगर वो गई ना तो गांव की सब औरतों को अपनी बोली में गिट मिट गिट मिट गिट मिट पढ़ा के डॉक्टरनी बना कर चली जाएगी। हाँ फिर तू देखना सबके हाथों में पर्चियां होंगी, शहर से स्टोरों से दवाइयां आएंगी। अरे मेरी फक्किया तो बेकार गई ना, निमूरिया सारा दिन कूटती थी, क्या होगा मेरा? इसलिए बोलती हूँ जाकर काम कर काम कर, पुछड़ा ना बन। सोच ले हाजरा एक दफा और सोच ले। सोच ले क्या सोचूं? अरे दर दर फिरती हूँ कमबख्त, खुद सारा दिन टीट बना बैठा रहता है, उठ ना तो ऐसा पुछड़ा करूँगी जो याद करेगा। मुझे भी थैंक यू दानिया। वो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि इट्स ओके। जहन पे ज्यादा जोर मत डालो, हाँ हाँ मैंने देखा सादिया, परेशानी की कोई बात नहीं, और वो दोनों आपस में कजिन्स भी तो हैं। साईं फुटू बाद में खिंचवाना, पहले लड्डू खाओ लड्डू। डॉक्टर साईं ये लड्डू खाने से भी गजाई किल्लत की कमी पूरी होती है? नहीं राजू, ये लड्डू गजाई किल्लत की खुशी में है या कोई और खुशी भी है? साईं पुनल के घर बैठा हुआ है। मुबारक हो। कब? यही कोई 40-45 मिनट पहले। कितनी दूर है उसका घर? 5-7 मिनट का रास्ता है पैदल। यानी गाड़ी में जाएंगे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा? नहीं नहीं अति इधर गाड़ी नहीं जा सकती, रास्ते में 2 नाले भी आते हैं। तो फिर चलो। चलो सलीम, अब आपका जाना बेकार है। सही कह रही हो। जुम्मन की बीवी बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। सलीम चलो चलो मेरे साथ चलो। चलो अदी 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 भगाए जा रही हो,
पता तो चले बात क्या है। राजू हमें फौरन पहुंचना है। राजू 45 मिनट हो गए पैदाइश को, अगर 15 मिनट के अंदर अंदर न पहुंचे तो कोई फायदा नहीं होगा। सही, मुझको तो पानी देखकर ब्रेक लग जाता है, मैं उतर कैसे पहुंचूंगा। हम नहीं रुक सकते, तुम घूम के आ जाओ। ठीक है दी। अदी वो जो सामने ट्रैक्टर खड़ा ना, वही पुनल का घर है। आप लोग इधर से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। हेलो हेलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पुनल भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माँ और बच्चा कहाँ है? माँ और बच्चा तो अंदर कमरे में है, खैर तो है जी। माई मंडम धो करके अंदर जा रही हो? बच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से है? हाँ 25 साल का तजुर्बा है। हाँ ये सब बच्चे मेरे हाथ के जने हुए हैं, तू जा चल चल। अच्छी बात है कि दोनों खैरियत से, मगर प्लीज इस वक्त मुझे मत रोको क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है। क्या बात है रब नवाज, कैसा वक्त? बात ये है पुन्नल भाई के पैदाइश के पहले घंटे में माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। वो जो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है बच्चे में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। ये तो हमारे बच्चों की दुश्मन बनकर आई है। वाह जो सलाह तू देती है छोरी, ये तो बेकार दूध होता है, इसको तो हम फेंक देते हैं। किसने कहा कि वो बेकार चीज है? नहीं नहीं बाबा, उस गंद को तो हम फेंक देते हैं। वो गंद नहीं है, इस वक्त बच्चे के लिए उससे ज्यादा काम की चीज और कोई नहीं है। आई निकल, क्या कर रही हो? निकल इधर से, निकल निकल जाकर अपने शहर उनको सबक पढ़ा। इधर मैं ही काफी हूँ, तेरी जरूरत नहीं है, निकल निकल इधर से। एक घंटा तो हो गया होगा ना? ये भी दूध होता है क्या? मालूम नहीं है मुझे। 30 चंद मिनट रह गए, अगर अपने बच्चे की जिंदगी अजीज है, उसे सेहतमंद देखना चाहते हो तो वो गाढ़ा पीला दूध उसे पिलवा दो। हम तो इसे पीप समझते हैं, मगर वो डॉक्टर ने इसे दूध क्यों बोल रही है? जा छोरी जा, अपना काम कर, क्यों हमारे मथे में लगी हो? निकलो बाबा यहाँ से, निकलो। मैं निकालती हूँ इसे, निकलो निकलो। चले इधर, निकल इधर से। क्या बदतमीजी हाजरा, तू भी चल, तू भी चल। मैं तो सिर्फ समझाने आई, बड़े आए हैं समझाने, समझाने आए हैं बच्चे की सेहत। आई निकला निकला इधर। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, ये देखो कीचड़ से नालों से गुजर के भागे भागे चले आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। अरे बस समझ के बाबा के मत बढ़। अरे हम मर गए हैं क्या? हम ख्याल रखने वाले नहीं है क्या? खुदा को बाद, अब निकल तू इधर से। रहने दो तानिया, अब वैसे भी देर हो चुकी, कोई फायदा नहीं है, चलो। मामला तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक ये लोग नहीं बदलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, देर हो चुकी है। मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया पुन्नल भाई। अरे जा जाकर अपना एक कपड़ा संभाल, दोबारा नहीं आना इधर। हाँ अच्छा, क्या मैं माँ और बच्चे को सिर्फ देख सकती हूँ? देखना है? हाँ हाँ ये सही है सही है, देखने पे कोई टिकट नहीं लगेगा, खर्ची वर्ची भी मिलेगी, 1000 का नोट तो देगी ना तू। जा 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 भले जा जा जा। हाँ हाँ जाओ जाओ, देखो। मुबारक हो हाजरा, तुम जीत गई। वाह डॉक्टर साहब वाह, ये जीत नहीं हार की बात नहीं है, ये है सही और गलत की बात। तू समझ रहा है ना मेरी बात को? आप मेरे बेटे को हाथ लगा सकती हैं। ओ, मैं समझी शायद तुम भी। नैना, ये तू कह रही थी ना कि तुझे हमारे काम आने में कोई फायदा नहीं, तो फिर ये ऐसे भागम भाग क्यों चली आई?
इसे कैंप ले आओगी? ये तो मुझे मेरे घर वाले से पूछना पड़ेगा। पूछकर देख लेती हूँ मैं उससे। पर मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, फिर क्यों ले आऊं? क्या मतलब है कि कुछ नहीं होगा? यहाँ तो सबके दिमाग उल्टे हैं। आप ही ने तो कहा था कि बच्चे में बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो तुमने इसे पिला दिया? क्यों नहीं बताओगी? जहां तक जितना हो सके ये बात सबको, हर औरत को बताना कि माँ का पहला दूध, जिसे पीले रंग और गाढ़ेपन की वजह से तुम लोग जाया कर देते हो, बच्चे की बुनियादें मजबूत करता है। ये खुदा का इतना बड़ा तोहफा है कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अब तो आप खुश हो गई ना? मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ। आराम से देखिए। ये सही से पकड़ पकड़ ना। जुगन भाई अंदर बैठो। सीधा अस्पताल चलें। मेहनत रायगा नहीं गई खुर्रम? क्या? हाँ, वो अंदर हमारी बहस सुन रही थी। वैसे अजीब लोग हैं ये, मीठे, कड़वे, तुर्श, सारे जायके हैं इनमें, और रंग भी। काश मैं यहाँ सर्दियों में आती और वो पीली पीली सरसों अपनी आंखों से देखती। अब तक तो वो पीली पीली सरसों तुम्हारी आंखों से देखती हुई आई। किससे पूछूं बता जिंदगी का कहीं धुंध में खो गई सर खुशी का चिटक तुमने अपने बारे में क्या सोचा है खुर्रम? क्या सोचना है? गांव, छोटा सा क्लिनिक, अम्मा और सकीना। हो सकता है सकीना ठीक हो जाए। तानिया, मुझे माफ कर दो तानिया। नहीं, मेरे दिल पे बहुत बोझ था। अगर तुम लोग यहां नहीं आते और तुमसे मुलाकात ना होती तो ये बोझ जाने मेरे दिल का क्या हाल करता। सब कुछ कभी वैसा नहीं हो पाता जैसे हम चाहते हैं। I understand. माई, चलो। तुम जानते हो यहाँ कौन रहता है? नहीं, मेरा गोर तो यहाँ से 10 मील दूर है। खुर्रम, यहाँ है वो।
कांटा काफी अंदर है, हाथ से शायद नहीं निकलेगा। अब डॉक्टर सलीम को फोन करो। डॉक्टर, डॉक्टर आएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये देख इसे, देखते क्यों नहीं है इसे, मांस ही नहीं है हड्डी पे, दुबला होता जा रहा है। और इसे देख, देखने से नलका खुल गया है इसका, उल्टी रुकती ही नहीं। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बेटी, कितनी कमजोर हो गई है। तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गया है, खून निकल रहा है। रोज डॉक्टर को लेने जाती हूँ, रोज कांटा चुभता है और रोज कांटा निकालती हूँ, रोज निकालती हूँ। खुरम, जख्म धोना पड़ेगा, सेप्टिक हो सकता है। हाँ, मैं कैंप से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता हूँ। रानो, साईं, साईं तुम आए थे? राजू ही तो जो घर आए? जी साईं, है थे भैया, साईं, है थे भैया, है थे भैया। ओए, अल्लाह, अल्लाह साईं, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? राजू, ये तुम्हारी छोटी बहन है मेरी, बच्चे मर गए इसके। कैसे? वही जो डॉक्टर और तालीम न होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आप लोग इधर आए हो। राजू, इसके पाँव पे दवाई लगानी होगी। इसको लेकर कैसे जाएंगे? मैं यहीं रुकती हूँ, तुम राजू के साथ जाओ, सारी चीजें लेकर आओ। सही टाइम पे पहुंच गए। हाँ सलीम, यहाँ कहीं पिकनिक स्पॉट है क्या? क्यों, कहीं चलते हैं, कुछ आउटिंग ही हो जाएगी। इतनी सारी आउटिंग से दिल नहीं भरा तुम्हारा? ओहो, ये भी कोई आउटिंग हुई क्या? मैं तो कहती हूँ इस माहौल से अलग अपने माहौल में अपने पन के साथ कहीं दूर चले जाते हैं। कितना दूर? इतना दूर, इतना दूर कि लोग हमें इतने इतने से नजर आए। तुम्हें पता है लोग क्या कहेंगे? हाँ मुझे पता है लोग क्या कहेंगे। जल्दी बताओ क्या कहेंगे। डॉक्टर सलीम और डॉक्टर सादिया इतने इतने से नजर आ रहे हैं। सलीम? हाँ हाँ, मैंने देखा। डॉक्टर साहब, साईं अंदर बैठा है, आपको बुलवा रहा है। उनको बोले हम आ रहे हैं। हाजिर साईं। तानिया कहाँ है? वो राजू के घर पर है, उसकी बहन का पांव जख्मी है। तुम्हारे पास एंटीसेप्टिक है क्या? अगर नहीं है तो मेरे क्लिनिक से ले लो। अबे है, है, है। चल चले। मैं भी चलूंगी। अबे चलो। अबे कहाँ रहता है तू? सिद्धू, साईं सिद्धू। चलो भाई पहुंच गए। मौजूदी, तानिया, 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 तानिया। यार कहाँ चली गई है? तानिया, तानिया कहाँ चली गई है? यार मैं इस तरफ देखता हूँ। तानिया, अति, तानिया, अति, तानिया, अति, अति, यहाँ भी नहीं। तानिया, वो फोन नहीं उठा रही। चलो चलो गाड़ी में बैठो, सही अकबर के पास चलते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो चलो जल्दी करो। बैठना गाड़ी में। हेडा, हेलो साईं, हेडा। मैं समझूंगा कि ये मेरी इज्जत पर हमला है। साईं आप गुस्से में ना आए, मैं बंदोबस्त करता हूँ झटपट में। अरे आप क्या बंदोबस्त करेंगे? बंदोबस्त, असल बंदोबस्त तो मैंने ही करना है। आप मुझे जानते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ अम्मी, 2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका, उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। क्या कह रहे हो सलीम तुम? अम्मी प्लीज, अभी खाला जान को कुछ ना बताइएगा। ओहो, कहाँ चली गई तानिया? यही तो पता नहीं चल रहा, उसका नंबर भी ऑफ है और वो है भी बहुत खूबसूरत। ठीक कह रही हो। तुमको पहले ही बोला था यार, ये नॉन सीरियस लोगों को कैंप लगा के मत भेजो। सर आपका इशारा डॉक्टर सादिया की तरफ है, लेकिन जो गायब हुई है वो डॉक्टर तानिया है। वो लोकल लाइक इंटेलिजेंट डॉक्टर? जी वही। सर कुछ करें,
करता हूँ कुछ। साईं, डॉक्टर साजिद असें हो कैंप में एक डॉक्टर गायब थी भाई। अरे बाबा, जिस डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकाला था उधर आपकी टीम ने कैंप नहीं लगाया है। अब उस डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकालो जहां पर आपकी टीम ने कैंप लगाया है। बाबा सेक्रेटरी हूं, तलाश गुमशुदा का दफ्तर नहीं चला। बात तो सुने साईं। साईं सर, मैं एसपी साहब को बता देता हूं। जी सर। राइट सर, अभी पता करता हूं सर। राइट अवे। हाबा बाबा बोला पुलिस स्टेशन ना आए रांग नंबर। डीएसपी काजी बोल रहा हूँ। डीएसपी साहब, आदम चन्ना से बात करवाओ। सर, छोरा तार झल उठ। डीएसपी साहब सही। आदम चन्ना सही, गोटक मलशाह से डॉक्टर नहीं गायब हो गई है। दो घंटे हो गए। उसके घर वालों को सबर दे साईं। खादिम चन्ना, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी सिर्फ गायब हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सिर्फ गायब हुई है साईं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है साईं, मैं अभी कच्चा पर्चा काट देता हूँ। कच्चा क्यों, पक्की रिपोर्ट लिखो। साईं, कच्चे का इलाका है, कच्चा थाना है, इमारत कच्ची है, दीवारें कच्ची है साईं, कच्ची छत है, खच खच पानी टपकता है साईं, मेज कच्ची है साईं, कुर्सियां कच्ची है साईं, पेंसिल कच्ची है साईं, सारा दिन साईं कच्चे दूध की चाय पीते हैं थाने में साईं। और तो और साईं, अब तो घर वाली भी बोल बोल के थक गई है कि प्रेशर कुकर ला दो, गोश्त गलता ही नहीं है साईं। पता नहीं साईं कौन सा गोश्त बेचते हैं। ठीक है, पैसे नहीं देते लेकिन फिर भी साईं इंसान है, कच्चा गोश्त तो नहीं खा सकते ना साईं। अब आप बताओ साईं, इतने सारे कच्चे में पक्की रिपोर्ट कैसे काटे सही? तुम्हारी नौकरी तो पक्की है ना? हाँ सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर पक्की रिपोर्ट काटो। हाजर सही। ठीक है बाबा, लड़ी नो। हाँ सही बाबा, रजिस्टर तो खड़ी है सही? रजिस्टर ना थी। अरे बाबा, कागज ही खड़ी है सही? कागज भी नहीं। अरे बाबा, फिर दीवार पे लिखो। चोरा कोयला गोल दीवार पे लिख। क्या खबर है बाबा? साई खुरा चला है, हाजरा का मर्द गफूर और दो आदमी और डॉक्टर यानी वो जमाल शाह के इलाके में दाखिल हो गए हैं, लेकिन साई गफूर तो वापस आ गया है। गफूर, वो साईं वो दो दो बंदे थे, उनके हाथ में दो दो बंदूकें थी। वो साईं, आप मेरे हाथ खुलवा दे, मैं आपको बताऊं। बोलो। मेहरबानी। साईं, साईं मिठे नूर जो कसम, एक बंदूक इधर, एक बंदूक यहाँ और एक बंदूक नीचे। वो तो सही मेरा पेशाब निकल गया, दम नहीं निकला। अगर उस डॉक्टरनी को अगवा करने में तेरे मर्द का हाथ है ना, तो ये सजा तेरे मर्द को तो काटनी पड़ेगी। अरे नहीं, नूर पटारे की कसम है, मैंने मुर्सने से गायब नहीं किया। मैंने उसे ये तरीका क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कहा था तुमने अपने मर्द से? बता, क्या करने वाले थे तुम दोनों? मैंने उसे ये कहा था कि कैंप को आग लगा दो। मुंडी मर, हाँ
जी बैठ जी उम्र ये थे छोरा कुछ तो शर्म कर भूल थी वही अम्मा माँ जी इज्जत खाक में मिलाए चढ़े वन छोरा कभी से पाया चु वन हाँ बाबा क्या हाल है सर कैसे हुआ ये सब आए अंदर चले मैं आपको बताती हूँ हाँ चलो पता नहीं मेरी मासूम बच्चे के साल में होगी बाजी मैंने तो कभी उसे फूल से भी नहीं मारा था पता नहीं कैसी किस हाल में कहाँ होगी समीना रोए मत हिम्मत से काम ले खैर हो अगर मेरी तानिया को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूँ साईं मेरे को पक्का पर्चा काटना है मुझे पक्की खबर चाहिए हुआ क्या है सच्चो साहब जमाल शाह वालों ने उसको अगवा करवाया है साला प्लीज खुद को संभाले बाबा इतला कच्ची तो नहीं है नहीं साईं मेरे खोजी ने मुझको बताया है ठीक है साईं फिर हम जाते हैं वडेरे यूसुफ की तरफ नहीं नहीं मेहमान हमारी इज्जत है जमाल शाह वालों ने हमारी इज्जत पर हमला किया है कौन है ये जमाल शाह कौन है ये जमाल शाह कौन है ये जमाल शाह कौन है जमाल शाह सरदार अकमल शाह का चचाजात भाई था जमीनों के झगड़े की वजह से दोनों में दुश्मनी है और एक दूसरे के इलाके में आना जाना ममनू है तो इनका जाना ममनू है ना हमारा तो नहीं अरे मैं जाऊंगा अदा डॉक्टर अपने जज्बात को ब्रेक लगाओ साईं इधर मामला तैसे तय नहीं होते लेने के देने पड़ जाते हैं बिना ब्रेक लगाए बात को बस बस मैं हूं ना मैं हूं संभाल लूंगा मैं संभाल लूंगा मैं अल्लाह खैर करेगा अल्लाह करेगा उसे कुछ नहीं होगा जमाल शाह मरहूम अकमल शाह का चाचा जाद भाई है उनकी रगों में हमारा ही खून है मुखबरी हो गई है साईं अगर लोग ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि हम डर जाएं क्या हम तानिया को इन दरिंदों के हवाले कर दें नहीं 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 कुछ नहीं होगा तानिया को शेरल जी साईं सिजावल खान और मुराद अली खान को बोलो कि अपने आदमियों को लेके फौरन यहाँ पहुँचे साईं वो पूछेंगे कि साईं ने क्यों बुलवाया है तो अरे बाबा बोलो अकमल शाह ने बुलाया है और पूरी तैयारी के साथ आए अकमल शाह की इज्जत का सवाल है जी साईं बाबा साईं तब तक इंतजार करेंगे क्या बाबा टुकड़ों टुकड़ों में जाने से बेहतर है कि सब मिलकर एक साथ हमला करें समझ गया साईं पहल तो करनी पड़ेगी कहीं देर ना हो जाए रब नवाज़
भाई चले। हाँ चल चल। ये कौन है बाबा? हम यहां क्यों आए हैं? किसका बच्चा है? सोचो सोचो सोचो। याद आ जाए ना तो मेरे को उठा देना। साईं को 6 महीने तक याद नहीं आए तो सोता रहेगा क्या? साईं क्या हम 6 महीने बाद आए क्या? हाँ भले, लेकिन 6 महीने बाद आने का क्या फायदा? हम 1 साल बाद आएंगे जब इसकी सालगिरह होगी, ढोल बजाएंगे। लगता है वडेरे का शौक उसकी बीमारी बनता जा रहा है। अल्लाह, पहले घंटे का दूध तेरा बाप पिलाएगा। ला इधर दे, बारिश आया है घर में। डॉक्टर तानिया खड़े हैं। हाँ हाँ बुद्धा तानिया कितने आए? हाँ वही वही, किधर है? ये कौन है बाबा? अरे पकड़ इन्हें, इनकी बदमाशी दखन। छोड़ो इन लोगों को, छोड़ो। सरदार अकमल शाह आ गया है। यूसुफ, तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। डॉक्टर तानिया को मेरे हवाले कर दो, वरना कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। अदा सब्र करो। सुखरा, तानिया को बाहर लेकर आओ। अधी, आपको यहाँ लाने का तरीका बहुत गलत था, इस बात की मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। आपको सायण ने बुलाया है। तानिया तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायण की बहू को बेटा हुआ है। अगर यूसुफ क्लिनिक को गोदाम ना बनाता और डॉक्टर्स को ना भगाता तो मुझे अगवा भी नहीं करना पड़ता। मैं इस बात की माफी मांगती। ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह जहालत और दुश्मनी है। मेरा एक सवाल है, क्या ये सब कुछ खत्म नहीं हो सकता? समझो खत्म हो गया, खत्म कर दिया। अरे खुशी का दिन है, अरे छोकरी मिठाई ला। अदा अकमल शाह का मुंह मीठा करा, जल्दी जल्दी जल्दी। अदा मिठाई खाओ। अच मुझा बच्चा पंजे चाचा सा मिले, पान में खीर खंड थी। शाबाश मुझा सदोरा बच्चा। आज से आप लोग अपने इलाके में हेल्थ वर्कर के तौर पे काम करेंगे, तनख्वाह भी मिलेगी और तमाम फैसिलिटीज भी। हाँ भाई कैसा लग रहा है? ये क्या कर रहे हैं ये? बाबा साईं को आदत है बिना ब्रेक आंख मारने की। साईं कंट्रोल है। इधर के लोग इस बात को नहीं समझते, जरा अपनी आंखों को ब्रेक लगाओ। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन होता ही नहीं।
देखो कितना इम्प्रूव किया है इसने कुछ ही अरसे में। ये तो तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है। मोहब्बत अपनी जगह है और मेहनत अपनी जगह। हाँ भाई, क्या चल रहा है, कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक, मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं इस बात का क्रेडिट तानिया को देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सकीना कभी बेहतर हो सकती है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं घर जा रहा हूँ, पैकिंग करनी है, रात की फ्लाइट है। ओके, टेक केयर। ओके, हाफिज। वो खुर्रम, कुछ ही दिनों की बात है, मैंने डॉक्टर को सब समझा दिया है, वो सकीना का ख्याल रखेगी। सही तानिया, हैव अ ग्रेट हनीमून। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर। मैंने अपने गांव में खोला है। क्या खोला है राणा लसाई? हाँ बाबा, क्या खोला है? नल का खोला है, दरवाजा खोला है, क्या खोला है? सोचो सोचो बाबा, सोचो 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 सोचो। क्लिनिक खोला है और मैं मुफ्त में करूंगा। कुर्बान मजाए साई, मुफ्त में करोगे? लेकिन साई बताना पड़ेगा, मुफ्त में क्या करोगे? हाँ बाबा, क्या करूंगा? सोचो बाबा, सोचो। इलाज। मुफ्त में इलाज करूंगा। हमारा मकसद खड़ा होना नहीं है। साई आप तो खड़े हुए हो, आपको अगर खड़ा नहीं होना तो बैठ जाओ। अरे बाबा पकड़। बैठ जाओ साई, बैठो बैठो साई, बैठो। बैठ तो मैं गया हूँ लेकिन मुझे सही नजर नहीं आता है यहाँ से। इलेक्शन में। थैंक यू साजिया जी, थैंक यू। तुमने देखा यूसुफ मेरा कितना ख्याल करते हैं। इलेक्शन में खड़ा होना। हाँ, नहीं है। देखा देखा। माँ होगी तो बच्चे होंगे। साईं ये क्या बात हुई, माएं होंगी तो बच्चे होंगे? हाँ, हाँ, हाँ बाबा, ये कैसी बात है, माएं होंगी तो बच्चे होंगे? सोचो सोचो बाबा, सोचो। छाती हो अरी अब्बा, सारी बारी ये क्या है, ना खड़ा रहने देते हो ना बैठने देते हो। अरे बाप, सब्र कर सब्र कर यूसुफ। अरे ठीक, जी जी साईं। इतना ना सोचा करें यूसुफ, माएं सेहतमंद होंगी तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। हाँ बाबा, माएं सेहतमंद होंगी तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। गांव में स्कूल का इंतजाम कर दिया है, बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो उनका मुस्तकबिल रोशन होएगा। सादिया जी के लिए और पत्त बनाया है तुम लोगों के लिए, खा के जाना। फोटू निकलवाऊंगा।